हम जिंदगी में कितनी तरह के लोग होते हैं ना, सब अलग अलग नेचर के होते हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। हाँ, सबके टेम्परमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। कोई बहुत खुश रहना पसंद करता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत लेजी होता है, कोई बहुत एक्टिव होता है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कौन इंसान कैसा है, ये बड़ी मुश्किल की बात है। समझ भी नहीं पाते, और अगर हम समझ जाएं तो शायद हम ये भी समझे कि हमें उनके साथ डील कैसे करना है। डील कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि आज के शो पे हम लोग इसी मौजू पे बात करते हैं कि इंसान को कैसे समझना है। एंड आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, ताकि हमें पता चलेगा कि किस तरह अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, इंसान होते हुए हम जानवरों जैसी हरकत करते हैं कभी कभी। बिल्कुल, तो नाज़रीन आइए इस मौजू पर बात करने के लिए इस्तकबाल करते हैं, मुलाकात करते हैं अस्मा ज़ैदी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड थैंक यू। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू मैम? गुड थैंक यू। मैम दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। जी मैम, हम लोग अपनी जिंदगी में क्या देखते हैं कि मतलब एक ही फैमिली में है, चार पांच लोग हैं, लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, सबका बिहेवियर अलग अलग है, सबका मिजाज बिल्कुल अलग अलग है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम एक दूसरे को आसानी के साथ समझ सकें? दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी। अगर हमको थोड़ी सी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता हो जाएं, तो बहुत आसानी हो जाती है लोगों से डील करने में और उनका बिहेवियर समझने में जी, और उनकी आदत मिजाज को समझने के लिए। तो हर इंसान एक मिजाज के साथ बॉर्न होता है। ओके। और ये बहुत ही मज़े की बात है कि हज़ारों इंसान हैं, अपने अपने तजुर्बों से, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो लोग मुख्तलिफ होते हैं जी, बिल्कुल। मगर फिर भी इंसानों को हम चार ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। तो उसको तुम इस तरह से समझो जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना? तो मज़े की बात यह है कि ये चार कैटेगरीज जो हैं ये मुख्तलिफ हैं, मगर इनके रंग जो हैं आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर नज़र आएंगे। और ये जो कैटेगरीज हैं ये ऑपोजिट्स एक पर्सनैलिटी में नहीं हो सकते, जैसे नॉर्थ साउथ पर्सनैलिटी एक में नहीं हो सकती, ईस्ट वेस्ट पर्सनैलिटी जो है वो एक उसमें नहीं हो सकती। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पर्सनैलिटीज़ किस तरह प्ले करती हैं, और ज़िंदगी की दौड़ में हमको हर फेज़ ऑफ लाइफ में, बचपने में, बुढ़ापे में, जवानी में, हमको इनका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। यानी ये चारों पर्सनैलिटी से हम गुजरते हैं, सारे इंसान गुजरते हैं, और हर इंसान की कोई ना कोई एक फितरत जिसे कहते हैं, कोई ना कोई एक मिजाज होता है जी। अब चाहे ये बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब लोग ऐसा नहीं कि एक एज पे जाके एक मतलब परमानेंट हो जाए ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली फेजेस कहते हैं साजिद से, हर इंसान थोड़े फेजेस से गुजरता है और थोड़े टेम्परमेंट से गुजरता है, थोड़े मिजाजों से गुजरता है। तो एक यूनिवर्सल होता है मिजाज जो उस उम्र का तकाजा होता है, और एक मिजाज जो होता है वो आपका पर्सनल होता है। फिर आप इंसान किसी एक मिजाज का होता है जब वो शुरू में इब्तिदा जैसे एज ए यंगस्टर उसका एक मिजाज होता है, बट थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू लाइफ कामयाब इंसान वो होता है जो सब सारे मिजाजों का बैलेंस होता है। जो इंसान किसी एक मिजाज का एक्सट्रीम होता है वो फिर थोड़ी परेशानी में होता है, डिफिकल्टी हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। मैम जिस तरह से साजिद ने कहा कि क्या उम्र की हर एज में अलग अलग तरह के जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, मिजाज होता है, वो हमारा बदलता है, तो जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो क्या इनके भी टेम्परामेंट्स अलग होते हैं या सेम होते हैं? एक्चुअली जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनका टेम्परामेंट हमको समझ में नहीं आता, उनकी पर्सनैलिटी हमको समझ में नहीं आती, मगर एक जनरल इस दौर का, इस उम्र का तकाजा है कि जो बच्चे होते हैं वो हवा की तरह होते हैं। ओके। दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स, वो फ्लीटिंग इंटरेस्ट्स, कभी ये पसंद आ गया, कभी ये पसंद आ गया, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट चला गया, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट चला गया, फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, तो उनका हवा वाला मिजाज होता है, हवा की तरह उनके इंटरेस्ट होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम होता है, मगर बिकॉज ऑफ दिस नेचर उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि वो जितना आप बच्चों को तजुर्बे करने के लिए देंगे उतना वो उनका इंटरेस्ट होगा, एक्सपोजर मिलेगा, और वो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैम जहाँ आपने कहा कि सबका मिजाज अलग अलग होता है, तो साजिद ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा कि वो कौन से अलग अलग टेम्परामेंट, क्योंकि हर एक इंसान को अगर हम लोग समझ लें
कि इसका क्या नेचर है, मेरा क्या नेचर है, तो शायद जिंदगी और गुलजार हो सकती है। बिल्कुल। तो हम अपने समझने के लिए देखते हैं कि चार किस्में होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। और अगर हम नॉर्थ पे फायर रखें तो ऐसी पर्सनालिटीज कॉलरिक होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली नीलम, मुझे रिसर्च करने में पता चला कि ये इनका जिक्र कुरान में भी है। अच्छा, कुरान मजीद में जी, भी जी, कुरान मजीद में भी टेम्परमेंट का जिक्र है। और ये सूरह रोम में आयत 21-24 में इनका जिक्र है। अल्लाह ताला ने कॉलरिक लोगों को इल्मू कहा है, इल्मू के नाम से खिताब हुए। इल्म, दे आर लीडर्स, दे आर पीपल हुज टेम्परमेंट्स आर लाइक फायर। तो ये लोग हमेशा वो लोग होते हैं जो करसक होते हैं, जो कुछ करते रहते हैं और जो लोगों को लीड करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, बढ़ बढ़ के चीजों में हिस्सा लेते हैं, दौड़ते रहते हैं और थकते नहीं हैं। तो इस किस्म के लीडर्स जो होते हैं, ये आपको अपने इर्द गिर्द हर तरफ मिलेंगे, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। जी, तो ये कॉलरिक पर्सनैलिटी होती है। कॉलरिक पर्सनैलिटी के ऑपोजिट में साउथ में अगर आप सोचें दिमाग में, तो कॉलरिक का ऑपोजिट होता है, फायर का ऑपोजिट होता है वाटर। एंड वाटर पर्सनैलिटीज जो है, इट इज कॉल्ड फ्लैगमैटिक, एंड दे आर वेरी शांत, दे आर लाइक वाटर, दे आर ट्रैंक्विल। और कुरान में ऐसे लोगों को कहते हैं स्माइल लिसनर्स, जो सुनते ज्यादा हैं, रिएक्ट कम करते हैं। फायर जो है वो रिएक्ट बहुत ज्यादा करता है। कभी कभी उन लोगों का गुस्सा और मिजाज तेज भी होता है फायर का, फायर वाली पर्सनालिटी के लोगों का। और जो पानी वाली पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, वो शांत, उनका मिजाज एकदम शांत होते हैं, उनको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग शायद आपकी नजर में होंगे, जिनसे हम कहते हैं उठो करो, कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत आराम से, हर चीज आराम से, बहुत सुकून से। ट्रेन जाना है तो जाए, हम अपने टाइम से, हम अपने टाइम से जाएंगे, और किसी चीज में वो परेशान नहीं होते आसानी से। तो एक्चुअली ये लोग काफी एसेट्स भी होते हैं, ये नहीं कि ये कर सक नहीं होते, ये लोग भी लीडर्स बन सकते हैं इफ दे आर गिवन द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसे वाले लोगों का कोई हुक होना बहुत जरूरी है, कोई मिजाज को कैप्चर करने के लिए इंटरेस्ट होना, कोई आइडियल होना। तो अगर इन लोगों का दिल किसी पर आ गया तो वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो ये लोग जिस चीज को अपना शौक मानते हैं जी, जिसका इनको पैशन हो या जिस चीज से इनको मोहब्बत हो, किसी इंसान से मोहब्बत हो, उनके लिए वो लोग देखी वर्किंग। थोड़ा सा लेजी मिजाज आप कह सकते हैं इन लोगों का। और कॉलरिक और फ्लैगमैटिक लोगों की पर्सनालिटीज जो होती हैं, वो थोड़ी सी बिल्ट, थोड़ी सी बिल्ट उनकी बड़ी होती है। हाँ, और कॉलरिक लोगों की फायर वाली पर्सनालिटीज के शोल्डर्स जो हैं वो बॉडी शेप, बॉडी शेप जो होता है उनके शोल्डर्स, उनके कंधे थोड़े चौड़े होते हैं, जिसके ऊपर वो दुनिया को बोझ संभालते हैं, उठाते हैं। और फ्लैगमैटिक लोग भी थोड़े से हैवी होते हैं, वो लोग पानी की तरह होते हैं, बहुत सुकून, बहुत शांत। अगर आप ईस्ट और वेस्ट पर देखें तो एक तरफ मट्टी है और एक तरफ हवा है। तो हवा वाली पर्सनालिटी जो होती है वो सैंग्विन होती है, उसे कुरान में अकल कहा गया है, अकल वाली पर्सनालिटी के लोग। और सैंग्विन वाले लोग अकल वाले शायद इसलिए कहे गए हैं क्योंकि दे हैव मैनी एक्सपीरियंसेस, दे आर इंटरेस्टेड इन मैनी थिंग्स। हवा की तरह वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नया एक्सपीरियंस करते हैं, नए तजुर्बे करते हैं, इसीलिए वो शायद वाइज होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होता है। तो हवा वाले लोग होते हैं, और उसके ऑपोजिट यू हैव मट्टी वाले, तुराब वाले लोग। नो, एक्चुअली दे आर वेरी अब्सॉर्बेंट। ये वाली पर्सनैलिटीज फिलोसोफर्स की होती है, थिंकर्स की होती है। अगर मेलैंकोलिक वाले लोग जो हैं, ये मट्टी वाले लोग जो हैं, जिसको उसमें अकल वाले लोग जो हैं, अगर इनको आप वो दें, थोड़ा सा इनको अपने आप से डील करने का हुनर आ जाए, अपने मिजाज से डील करने का हुनर आ जाए, तो दे बिकम द बेस्ट साइकाइट्रिस्ट
the best doctors, the best healers. मतलब उनके अंदर थोड़ा depth पाई जाती है उनके अंदर लोगों को समझने की. उसका देखिए हर चीज का एक प्रो है कौन है. मेलैंकोलिक वाले लोग बहुत सोबर मिजाज होते हैं, बहुत ज्यादा शोकिया नहीं होते, सोबर होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत हसास होते हैं, दूसरी चीजों को बहुत एहसास होता है, सेंसिटिव होते हैं और उन्हें दुनिया की प्रॉब्लम्स का, सारे जहां का दिल दर्द हमारे जिगर में है वो लोग होते हैं. एनजीओस में ज्यादातर वो सोशल वर्क ज्यादा करते हैं, हीलिंग का काम ज्यादा करते हैं, लोगों की खिदमत करने का काम ज्यादा. हाँ, मगर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का इतना दर्द सुनते हैं कि खुद दुखी हो जाते हैं. सो दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन. बहुत अब्सॉर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं. तो अगर आप ये सीख लें कि आपको अपने आप को हैंडल कैसे करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, दूसरे लोगों की परेशानियों से थोड़ा सा डिटैच कैसे होना है, तो दे आर द बेस्ट सोशल वर्कर्स एंड द बेस्ट पीपल. मुझे तो ऐसा लग रहा है चारों चीजें मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा पाई जाती होगी. बिल्कुल, एज यू ग्रो ओल्डर पॉसिबल है. बिल्कुल बिल्कुल, किसी इंसान में चारों चीजें हों. जी जी, एज यू ग्रो ओल्डर, देखें पहले इंसान सैंग्विन की तरह होता है, उड़ता रहता है, फिर एक उम्र आती है जब आपको काम करना होता है ना, तो आपकी सारे यंग एडल्ट की पर्सनैलिटी थोड़ी ना थोड़ी कॉलरिक हो ही जाती है. वो कैसे भी हो, वो दौर जिंदगी का ऐसा होता है कि वो कॉलरिक पर्सनालिटी बन जाती है उनकी. फिर उसके बाद थोड़ी सी आपकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है, तो आपकी एक फ्लैगमैटिक, एक सुकून वाली, जहां आप ओवर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको इतने तजुर्बे हो चुके होते हैं जिंदगी में कि आप थोड़े से फ्लैगमैटिक, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं. फिर अगर आपकी जिंदगी अच्छी ना गुजरी हो और आपको बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हो, रिजेंटमेंट्स हो, ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी ना हुई हो, तो देन यू बिकम अ मेलैंकोलिक पर्सनालिटी, देन यू बिकम द वाटर डिप्रेशन वाली पर्सनालिटी. तो वरना लोग जनरली टाइम के हिसाब से भी चेंज होते हैं, और जनरली जो वेल रेड, वेल एडजस्टेड लोग होते हैं, हैप्पी पीपल होते हैं, वो लोग वक्त के साथ अपनी पूरी पर्सनालिटीज को बैलेंस कर लेते हैं. थोड़े कॉलरिक हो जाते हैं, थोड़े सैंग्विन होते हैं, थोड़े मेलैंकोलिक होते हैं, थोड़े फ्लैगमैटिक हो जाते हैं. मैम पर ऐसा बोलते भी थे ना, इंसान मिट्टी, आग, पानी, ये सब चीजों से मिलकर बना है, तो वही तो बने हुए हैं. तो सारे लोग इसी सारे लोग के अंदर, क्या मेरे अंदर जैसे मिट्टी ज्यादा है तो फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? जी जी, ओके. या फायर, यू हैव देयर इज अ बेसिक टेम्परमेंट, और ये आयुर्वेदिक में भी है ना, पित्ता, दोषा, कफा, यू हैव योर एलिमेंट्स. तो ये हर फिलॉसफी में ये पाई जाती है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी पर्सनालिटीज कैसे शेप अप करती हैं. क्या हम लोग डील करना कोई तरीका है कि मतलब एक टेम्परमेंट जैसा इसका है और मेरा है, या हस्बैंड वाइफ भी दो हो सकता है एक जैसे ना हो, बिल्कुल, तो ऐसे टाइम पे तो और ज्यादा मुश्किल है, तो कोई आइडिया, कोई तरीका है डील करने का इसमें? एब्सोल्युटली, मुझे जब मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ा था तो इतना शॉक लगा कि मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं इसीलिए अपने बच्चों को नहीं हैंडल कर पाती जी, क्योंकि एज अ पेरेंट इवन आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल माई चिल्ड्रन, बिकॉज All three of them had different personalities. एक जो थी वो पानी थी, एक जो थी वो हवा थी, एक जो थी वो मट्टी थी. So it's so difficult to deal with. अगर आग के सामने हवा आ जाएगी तो और भड़का देगी. जी, तो अक्सर हमको ये समझना होता है कि हमारे अच्छा, और ये जो सैंग्विन और मेलैंकोलिक पर्सनालिटीज होती है ना, हवा और मट्टी वाली पर्सनालिटीज, ये लोग ज्यादातर टॉल और स्लिम होते हैं. ओके, दे आर टॉल एंड दे आर स्लिम. ऑलराइट. और फायर एंड वाटर वाली पर्सनालिटीज थोड़े से हैवी बिल्ट होते हैं, राउंड होते हैं, थोड़े से राउंडिश होते हैं. तो ये देख कर भी इंसान को पता चल सकता है. अब आप बता रही हैं तो ऐसा हम लोग देखेंगे कौन फायर है कौन. जी, एक्चुअली हाँ, बहुत सारी चीजों का एहसास, बहुत सारी चीजों की समझ हमको आती है. फर्ज करिए आपने किसी का मिजाज समझ लिया कि ये पानी है, ये फ्लैगमैटिक है, तो आपको इसकी पर्सनालिटी समझ में आ गई. अब आप उसके ऊपर आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि वो दौड़ दौड़ की चीजें तरह काम करेगा, क्योंकि आपको उसका मिजाज मालूम है, उसका वो मिजाज है ही नहीं.
तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हम अक्सर कहते भी ना, हमने इन्हें देखा है, ये इनके नेचर का पार्टी नहीं है. इट्स नॉट अ पार्ट. सो इट्स इजी टू एक्सेप्ट पीपल. जो सैंग्विन लोग होते हैं, जहां बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, वाइज होती हैं, वहां एक बुराई ये होती है. कौन हर चीज का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है. बुराई तो नहीं कहूंगी, एक नेगेटिव सैंग्विन पर्सनालिटी का ये है कि क्योंकि वो लोग, उनके बहुत वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, शुरू में जब वो यंगस्टर्स होते हैं तो वो अपना कोई काम खत्म नहीं करते. सब बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं, खत्म करने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है. तो सैंग्विन पर्सनालिटीज को ये सीखना चाहिए कि हम, मैं सैंग्विन हूँ, जैसे मैं सैंग्विन हूँ, आई नो आई एम अ सैंग्विन. तो मुझे मालूम है कि जब मेरी यंग एज थी तो मैं बहुत सारे काम शुरू करती थी मगर खत्म करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो विद एज विद एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड दैट आई हैव टू फिनिश व्हाट आई स्टार्ट. तो अब मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि मैं हाथ तो अपना बहुत सारी चीज़ों में डाल देती हूँ मगर मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि नहीं, पहले मुझे इसे ख़त्म करना है, फिर मैं वो करूँगी, फिर मैं उसे ख़त्म करूँगी, फिर मैं वो करूँगी. करना मुझे सब है मगर आई विल फिनिश वन थिंग एंड देन आई विल स्टार्ट. तो ये हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने मिजाज को ट्रेन करते हैं. इसी तरह जो कॉलरिक होते हैं, फायर होते हैं, लीडर्स होते हैं, कर्षक होते हैं, उनकी पर्सनालिटी भी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है मगर इमेजिन लिविंग विद सच अ पर्सन. डोमिनेशन हर वक्त करो करो भागो ये करो वो करो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कमांडिंग हो जाते हैं ना. कौन से? फायर वाले. द नेम इज फायर. दे आर वेरी बॉसी, दे आर कमांडिंग, और वो गुस्से वाले भी होते हैं. एंड नोबडी लाइक्स सच पीपल. एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग देम. अगर आप उसी फायर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, तो आग तो फैल भी सकती है. तो अगर आप उसी फायर को थोड़ा कंट्रोल करो तो यू दे बिकम द बेस्ट लीडर्स, द बेस्ट रिफॉर्मर्स, स्कूल लीडर्स, बैंक मैनेजर्स. ये जितनी मैनेजमेंट लीडरशिप वाली पोजीशंस होती हैं, ज्यादातर ये लोग कॉलरिक होते हैं. तो ये लोग ड्राइव करते हैं दूसरों को करने के लिए. कोई भी टेम्परमेंट क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट और मैनेज करने आना चाहिए. बिल्कुल एडजस्ट और मैनेज करना आना चाहिए. और यही चीज आपको देखनी चाहिए जब आप कोई जॉब ढूंढ रहे होते हैं या अपने लिए कोई ऑक्यूपेशन ढूंढ रहे होते हैं जो पर्सनालिटी को सूट करे. हाँ, फॉर एग्जाम्पल फ्लैगमैटिक मिजाज का इंसान विल नॉट ऑलवेज बी अ वेरी गुड लीडर. ओके, ही विल हैव टू ट्रेन हिमसेल्फ अ लॉट कि वो अपने मिजाज के खिलाफ कोई काम करे. जी, है ना, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में ऑन द गो रहना नहीं है. तो बनते हैं, ऐसा नहीं कि फ्लैगमैटिक लोग लीडर्स नहीं बनते, बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं कभी कभी, मगर उनको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है. सैंग्विन के लोग जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना, ठहरते नहीं, मगर विद एक्सपीरियंस आप अपने आप को ठहराना सिखा लेते हैं. मेलैंकोलिक लोग जो होते हैं, जहां वो हसास होते हैं, जहां वो दूसरे लोगों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद ही दुखों में डूब जाते हैं. ओवर थिंकर्स बन जाते हैं. उन लोगों को दूसरे लोगों का दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो किसी काबिल ही नहीं रहते. तो दे हैव टू लर्न टू मैनेज, के शुरू से ही उनको अपने आप को मैनेज करना सीखना होता है कि नहीं, मुझे इससे निकलना है. लाइक आई हैव टू कीप माई सेल्फ गोइंग, आई हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज माई सेल्फ, आई हैव टू लर्न हाउ टू डिटैच विद अदर्स, कि मैं आपकी तकलीफ का एहसास है मगर उसे मैं अपने ऊपर मुसल्लत ना करूं. जो कि बहुत नेचुरल चीज है उनके लिए. जिस तरह मट्टी हर चीज अपने अंदर जज्ब करती है, मट्टी हर एक का हर बुरी अच्छी चीज अपने अंदर जज्ब करती है. मेलैंकोलिक बच्चों की खासियत होती है वो शुरू से बचपन से मुख्तलिफ होते हैं, क्वाइट होते हैं, हसास होते हैं, बहुत ज्यादा हंसने बोलने वाले नहीं होते, उनका मिजाज ठहरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा थिंकर्स होते हैं. जब वो बोलते हैं तो आपको लगता है यार इसने कितनी अच्छी वाइज होता है, कितनी गहरी बात कह दी, कितनी पते की बात बोली है. तो ये मेलैंकोलिक लोगों की पर्सनालिटी होती है. मगर जब आप ग्रूम करना शुरू करते हैं ना अपने आप को, तो क्रॉस आप समझें नॉर्थ साउथ नहीं हो सकता मगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बन सकते हैं. जी, तो मेलैंकोलिक लोग कॉलरिक भी हो सकते हैं, मेलैंकोलिक लोग फ्लैगमैटिक भी हो सकते हैं. मेलैंकोलिक फ्लैगमैटिक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिर वो लेजी भी हो जाते हैं और वो हसास भी हो जाते हैं. तो डिप्रेशन का शिकार होना ज्यादा आसान है उन लोगों के लिए. तो
तो मेलैंकोलिक लोग कॉलरिक बन गए या सैंग्विन पर्सनालिटी थोड़ी सी अपना ली तो ऑलराउंडर बनने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं. ओके, तो इसी तरह हम अगर अपने मिजाजों को अपने घर में देखें, अब जैसे मैं समझ गई हूँ कि मेरी बेटियों का मिजाज कैसा है, मेरे शौहर का मिजाज कैसा है, तो उनसे डील करने में आसानी हो जाती है. हमको ये समझ में आता है, अच्छा भाई ये बंदा सैंग्विन है, कॉलरिक है, ये ठहरने वालों में से नहीं है, नहीं तो हम उनको ठहराने की कोशिश भी नहीं करेंगे, नहीं करते. अच्छा, ये हकीकत है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है इसमें, मतलब जो आप बता रही हैं, मैं आपसे कह रही हूँ कुरान में लिखा हुआ. मतलब ऐसे अगर इतना समझ लेंगे तो फिर जिंदगी शायद बहुत बहुत आसान हो जाएगी. यूनानी फिलॉसफी जैसा बता रही, कुरान में भी लिखा है, लेकिन हम लोग ने कभी इस पर मतलब सुना ही नहीं, कुछ बात नहीं किया. तो सूरह रोम चैप्टर नंबर 30 आयत 21-24 रीड इट एंड तर्जुमा करिए उसका, उसकी तफसीर के अंदर जाइए, उलमा से बात करिए. ये तो मेरी बहुत ही छोटी सी कोशिश है, कभी हम लोग ने सुना भी नहीं, जिस तरह से आपने हवाला दिया कुरान मजीद का. मैम थैंक यू सो मच, एक नया रुख हमें बताने के लिए कि किस तरह लोग अलग अलग होते हैं, और अगर हम उनकी पर्सनालिटीज को समझ जाए तो उनके साथ लाइफ गुजारना, उन्हें समझना कितना आसान हो जाएगा. थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम. यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे फ्लैगमैटिक लोगों को हम लोग एक माइंड में ले आते हैं ना कि लेज़ी होते हैं जी, या उनसे करना चीज़ें करना मुश्किल होता है. एक्चुअली अगर फ्लैगमैटिक लोगों को आप देखें तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग का काम करते हैं, क्योंकि जहाँ हम चीज़ों को लेके हादसों को लेके हाइपर होते हैं ना, वहाँ ये लोग हर एक को शांत कराते हैं. थिंक सुनते ज्यादा है ना, बोलते तो इसलिए समझ के सोच समझ के रिएक्ट करते बोलते हैं. जी. जी. कभी कभी कॉलरिक लोग जो है वो हाइपर होके इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं. जी, जी. तो जो फ्लैगमैटिक लोग होते हैं वो सोच समझ के सबर से धीरे से बैलेंस के साथ चीजें करते हैं. तो कोई भी पर्सनैलिटी अच्छी या बुरी नहीं होती, राइट. हर पर्सनैलिटी में एक अच्छा रुख है, एक पॉजिटिव रुख है और एक नेगेटिव रुख है. ऑल द पर्सनालिटीज हैव गॉट अ पॉजिटिव साइड. कोई सुपीरियर और इंफीरियर जैसा कुछ नहीं है, कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, ऐसा नहीं है. कोई इंसान सुपीरियर नहीं है, कोई फख्र की बात नहीं है कि आप कोई फख्र की बात नहीं है. जी, ओके, कोई फख्र की बात नहीं है. मैं तो फायर हूँ, तुम ऐसी हो, मिट्टी हो, ऐसा कुछ नहीं है. फायर, मिट्टी, हवा, हर किसी में सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. कोई एक डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट होता है उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. आपको अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करना okay. होता है, और आपको अपने अंदर एक एक बैलेंस इन द सेंस के सारी पर्सनालिटीज का एक बैलेंस लाना जरूरी है. जी मैम थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को एक नया रुख बताने के लिए कि किस तरह हर इंसान का साजिद टेम्परामेंट अलग होता है. और अगर हम ये समझ ले तो बहुत आसान होगा हमें हमारे रिश्तों को निभाने के लिए और उन्हें बेहतर बनाने के लिए. बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम. जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर आप तमाम से जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत इन्फॉर्मेशन है जो अब तक हमें मिली नहीं है और ना ही पता है. जैसे आज ही हम लोग ने जिस मौजू पर बात किया कि मिजाज सबका अलग अलग होता है, ये चीज़ें हैं दुनिया में लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे और कहाँ पर कैसे एक्ट करना है. ये हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है. अगर इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे या हम लोग खुद भी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो शायद इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को होने वाला है. हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे. तब तक रखिए अपने अपनों का ख्याल. शुक्रिया.